करना है, हमें सेलेक्ट केस पे एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो सेलेक्ट केस में प्रोग्राम लिखने के लिए ठीक उसी तरह आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हम एक डिज़ाइन चाहिए जिसमें आप सेलेक्ट कर लिए लैंग्वेज, आप सेलेक्ट कर लीजिए कि हमारा लैंग्वेज क्या क्या आएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए इंग्लिश, थाई, जापनीज, इंडिया दैट इज हिंदी, ठीक है, या जितने सारा तरह का लैंग्वेज आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप उसमें सेलेक्ट करेंगे तो उससे हेलो इन, तो जो सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे सेलेक्ट केस का एग्जांपल, ठीक है। तो ठीक उसी तरह हमको क्या करना है, फाइल ये इसी तरह न्यू में रहना है, स्टैंडर्ड एक सी रखना है और ओपन करना है। अब ओपन होने के बाद सबसे पहला जो काम होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन क्या करना है कि हमें एक टेक्स्ट चाहिए। आप एक टेक्स्ट मैसेज पहले ले लेंगे, यहाँ पे एक लेवल में हम लोग टेक्स्ट मैसेज दे देंगे, क्या से हेलो इन, ठीक है। तो कुछ भी हेलो किस में होगा वो चीज़ होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जस्ट से हेलो इन, आपका कौन सा लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा फॉन्ट साइज हम लोग बड़ा कर देते हैं। टेक्स्ट ठीक है। तो सेलेक्ट केस में अब जब तक सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप प्रोग्राम लिखते थे किसी भी सी सी प्लस प्लस जावा, तो उसमें हम लोग कोई यूआई नहीं देखते थे, मतलब यूजर इंटरफेस नहीं रहता था। वो हम लोग पहले कोड लिखते थे, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके वो इंटरनली होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब सेलेक्ट केस होना चाहिए तो सेलेक्ट कैसे करेगा, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होगा तभी सेलेक्ट होगा। तो सेलेक्ट केस के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन के लिए कौन सा टूल बॉक्स यूज करना है वो भी आपको जानना होगा। तो आपको यूज करना है कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे है लिस्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, तो हमें यूज करना है कॉम्बो बॉक्स। हम कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और एक यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स दे देंगे। अब जितना छोटा बड़ा जैसा लिखना है वैसा ले लीजिए, ठीक है। इसको भी बड़ा करना है तो थोड़ा इसको भी बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लाइन यहाँ पे कॉम्बो लिखा रहा है, हम इसको चेंज कर देंगे इसके कैप्शन को, ठीक है। तो इसके कैप्शन को हम लोग चेंज करेंगे कॉम्बो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में ही आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको एक कमांड देना है कि हम क्विट लिखें तो क्विट हो जाना चाहिए, तो हम लोग ये यहाँ पे कमांड देते हैं क्विट, क्विट होना चाहिए। ठीक है, इसको ठीक है। अब और जो ज़रूरत होगा हम प्रोग्राम के अनुसार से यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसको रन करके हम देखते हैं क्या होता है। रन किया तो लैंग्वेज में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ लैंग्वेज लिखा आ रहा है, से हेलो नहीं इन आया, क्विट पे कोई हमने कमांड नहीं दिया। अब इसका और क्या फंक्शनलिटी करना है, ठीक है। तो हमें जो भी ज़रूरत होगा हम फिर यूआई डिज़ाइन बना लेंगे। हमको अभी पता नहीं कि क्या यूआई डिज़ाइन चाहिए। तो हमने आपको पिछले क्लास में ऑलरेडी बता दिया था कि सेलेक्ट केस के लिए आपको जो यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है आपका सेलेक्ट, जैसे हम लोग लिखते थे सेलेक्ट केस, केस नेम, उसके बाद केस, केस का टाइप क्या होगा, जैसे वन होगा या टाइप इंग्लिश यानी अल्फाबेटिक होगा, तो हमको या तो न्यूमेरिक या तो अल्फाबेटिक लिख सकते हैं, कैरेक्टर उसमें यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हमें अब
केस लिखना है। तो क्या क्या केस होगा, हम लोग पहले केस लिखेंगे कि इस कमांड बटन पे लिखना है, ठीक है। तो हमारा क्या कमांड है, ये कमांड है, ठीक है। तो कमांड पे क्या होगा, हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कमांड आ रहा है, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट किस लिखना है। तो सेलेक्ट केस कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट, ठीक है, केस, हमारा केस का नाम हमने कॉम्बो वन दिया था, कॉम्बो वन ही नाम है, कॉम्बो वन, क्या नाम है इसका, कॉम्बो वन है ये, ठीक है। तो ये कॉम्बो वन हो गया, ठीक। अब क्या करना है, केस, केस क्या लिखना है कि पहला ऑप्शन, अब ऑप्शन देना है, ऑप्शन क्या होगा कि हो सकता है पहला केस लैंग्वेज इंग्लिश हो, तो हम लोग लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है। जब इंग्लिश हो तो क्या टेक्स्ट प्रिंट करना चाहिए, हेलो, टेक्स्ट इंग्लिश में क्या प्रिंट होगा, हम लोग एक टेक्स्ट वन ले लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू हेलो प्रिंट होगा, और ये भी हम इसको हेलो प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, दूसरा केस क्या है कि अगर थाई है, ठीक है, और जब भी लिखेंगे, अगर आप अल्फाबेटिक यूज़ कर रहे हैं केस में, तो आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसमें क्या है आपका, फिर हो सकता है टेक्स्ट वन, अब देखिए यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट वन लिख रहे हैं, मतलब वहाँ पे वो प्रिंट हो रहा है हेलो, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक टेक्स्ट वन लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले लिखते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं रिजल्ट तो हमें डिस्प्ले करना है, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत आ गया कि नहीं हमें एक टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। फिर तो थाई होगा, तो थाई में हेलो को क्या बोलते हैं, हेलो को बोलते हैं सुवाडे, SUWADEE, सुवाडे बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब केस क्या होगा अगला, जैपनीज, अगर जैपनीज में है, ठीक है, तो जैपनीज में हेलो को क्या बोलते हैं, ठीक, हम लिखेंगे फिर उसी तरह टेक्स्ट वन इज इक्वल टू, ठीक है, टेक्स्ट वन क्या होगा कि हमारा, इसको बोलते हैं कोंचीवा थाई में, सो कौन CHIWA, कोंचीवा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर केस हाँ, क्योंकि एक ऑप्शन जो सेलेक्ट करेंगे एक बार तो एक ही आएगा ना, जो ऑप्शन जो प्रिंट होगा आप एक टाइम में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, मल्टीपल तो ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर इंडिया में होता है तो इंडिया में हेलो को क्या बोलते हैं, इंडिया में हेलो को क्या बोलते हैं, नमस्ते, हाँ, तो टेक्स्ट वन इज इक्वल टू नमस्ते, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे केस तो लिख लिया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था कि जब हम सेलेक्ट यानी केस सेलेक्ट का पढ़ेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट केस, केस नेम, ठीक है, और उसके बाद केस, केस नेम के नंबर या तो अल्फा न्यूमेरिक या तो डिजिट होगा या तो न्यूमेरिक होगा, तो हमारा ऑप्शन है इंग्लिश, ये प्रिंट होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये, हमने इतने ऑप्शन दिए। अब इतने ऑप्शन के बाद क्या होगा कि हमारा सेलेक्ट केस जो है एंड होगा, तो यही चीज़ है मेन, जैसे प्रोग्रामिंग में आप क्लोजिंग ब्रेस यूज करते थे, यहाँ पे हर चीज़ के लिए एंड करना है, एंड क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी अब इसको सेव कर लेते हैं फिर से प्रोजेक्ट के अंदर, हम इसको नाम देंगे सेलेक्ट, ठीक है। अभी हमारा प्रोजेक्ट सेव नहीं हुआ है, सेव प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है।
अब हम रन करके देखते हैं क्या आता है। रन किए, अब रन किए तो कुछ तो लोड हुआ नहीं, हमने तो सेलेक्ट किया लेकिन चेंज नहीं हुआ, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि तो क्या है ना, इस चीज को फॉर्म लोड जब होगा आपका, ठीक है, तो फॉर्म लोड के समय आपने जो जो आइटम ऐड किया है वो कॉम्बो बॉक्स में ऐड होना चाहिए। तो क्या है कि हमने ये तो ऐड कर दिया, ये ऑड ऑप्शन में दिखाएगा, लेकिन जैसे फॉर्म लोड हो उस समय ये सारे लैंग्वेज उसमें लोड होने चाहिए, तो इसी कारण से वो नहीं दे रहा था। तो क्या करेंगे, यहां से चेंज करेंगे फॉर्म का, और फॉर्म में जाके क्या करेंगे, हमने जो जो कॉम्बो बॉक्स बनाया है, ठीक है, तो उस कॉम्बो बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे लैंग्वेज। क्या क्या है, तो हमने क्या यूज किया है, कॉम्बो वन, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कॉम्बो वन डॉट, क्या कारण है, एड आइटम, क्योंकि वो आइटम ऐसे ऐड होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं देना है, इसमें आपने क्या आइटम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा पहला है इंग्लिश, हमने इंग्लिश ऐड किया, ठीक। उसी तरह आपका आएगा दूसरा कॉम्बो आइटम, ठीक है, कॉम्बो वन डॉट एड, ओके। उसके बाद दूसरा था हमारा ऑप्शन क्या है, थाई, थाई को ऐड करेंगे, ठीक। तीसरा ऑप्शन है आपका कॉम्बो, ठीक है, डॉट एड आइटम, ठीक है। फिर हम तीसरा हमारा लैंग्वेज है जैपनीज, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है, कॉम्बो डॉट एड आइटम, हमारा क्या है, इंडिया, ठीक है। हम इसको फिर सेव कर लेते हैं, अब रन करते हैं। अब रन कीजिएगा तो देखिए आ गया। तो हमने ये तो दिया लेकिन कॉम्बो बॉक्स में ये सेलेक्ट कैसे होगा? तो जब तक ये फॉर्म लोड नहीं होगा तब तक ये चीज रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। अब हेलो इन, अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, या तो यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए कि हेलो इन, ठीक है, चाइनीज जापनी जो भी करना है वो, उसके लिए अब क्विट करना है, तो क्विट के लिए क्या है, जैसा देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे है, अगर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स लिख लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या करना है आप वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, और जो भी इस तरीके से आपको सेलेक्ट केस का लिखना है, तो हम जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स में सेलेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, हमने टेक्स्ट वन दिया है, ठीक है। वही हम कह रहे हैं कि वो क्लिक होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया हमने गलती क्या किया था। हम क्योंकि ये क्लिक कर रहे हैं ना, क्लिक करके हम कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्शन बॉक्स दिए थे, जब आप फॉर्म प्रिपेयर करेंगे तो फॉर्म में होगा, ठीक है। मैं जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं वो क्लिक इवेंट होता है, मतलब इवेंट ड्राइवन होता है, मतलब जब क्लिक करेंगे तो फंक्शनैलिटी उसका चेंज होना चाहिए। तो क्लिक पे कैसे होगा, तो क्या करना है कि जो कि क्लिक पे आपका फंक्शनैलिटी चेंज हो। तो हमने जब कॉम्बो बॉक्स लिए थे, देखिए जब हम आप बाय डिफॉल्ट कॉम्बो बॉक्स लीजिएगा तो जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आता है चेंज ऑप्शन, एक्चुअली ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, क्योंकि हम इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं क्लिक के लिए, इसीलिए हमारा ये
नहीं हुआ था, ठीक है, तो हम इसको हटा दिए। अब क्या किए, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिए, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट वन ही इसका नाम रख रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करना है। यहाँ पे जो लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस मेथड को जो हमारा प्राइवेट सब मेथड है कॉम्बो वन अंडरस्कोर चेंज था उसको हमने चेंज कर दिया एज ए क्लिक, ठीक है, कि क्लिक करने पे इवेंट होना चाहिए। अब हम रन करते हैं, जब रन कीजिएगा तो हम दिए हुए हैं कि जब लैंग्वेज से हेलो इन इंग्लिश हेलो, से हेलो इन थाई सुवाडे, से हेलो इन जापनीज कोंचिवा, ठीक है, से हेलो इन इंडिया तो नमस्ते। तो जिस तरीके से हमारा ये सेलेक्ट केस परफॉर्म होता है क्योंकि हम यहाँ पे रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही प्रोग्राम आपको यूज करना होता कि हम एक फॉर्म बना रहे हैं और उसमें सेलेक्शन कर लेना चाहिए तो वहाँ पे आपको चेंज ही यूज करना है, क्योंकि जब फॉर्म हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप यूजर नेम नाम एड सिटी, सिटी जब सेलेक्ट करेंगे उसमें तो सिटी चेंज होना चाहिए, वो हम यहाँ कहीं रिजल्ट नहीं कर रहे हैं, वो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, तो उस समय आपको उसको चेंज ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप यूज करेंगे कि कॉम्बो बॉक्स जो देंगे, सिलेक्शन जो देंगे, वो सिलेक्शन का रिजल्ट हमने यहाँ पे टेक्स्ट वन दिया है, आपको लेवल चाहिए तो आप लेवल भी यूज कर सकते हैं, हम एक लेवल भी ले लेते हैं। अगर हमको सिर्फ इसी लेवल पे रिजल्ट चाहिए तब यहाँ पे क्या है, लेवल टू, इसका नाम लेवल टू है तो हम इसको लेवल टू, आपको लेवल टू पे रिजल्ट प्रिंट करना होगा। तो फिर क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाकर जहाँ जहाँ आपने आपको यूज़ किया है टेक्स्ट वन वहाँ पे आपको देना है लेवल टू, ठीक है। ठीक है, हमने लेवल टू सेव कर देते हैं, रन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आया हेलो, थाई यहाँ आया, जैपनीज यहाँ आया, इंडिया यहाँ आया, ठीक है, हमने क्विट का भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट केस का आप कोड लिख सकते हैं, आप ये लिख लीजिए सब लोग, या तो फोटो ले लीजिए या तो इसको लिख, ठीक है।